wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, and never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And our was to give I had to leave you, but now I'm seeing all the नमस्ते फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सुबह का टाइम है छः बजकर पाँच या दस मिनट हुए होंगे और मैं पाँच दस मिनट पहले ही आ चुकी हूँ किचन में तो रोज़ का ही होता है जब भी मतलब जो हमारा वीक डेज होता है उसमें ऐसे ही चलता रहता है कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं लेट उठती हूँ अक्सर हाँ मैं उठ ही जाती हूँ अगर मेरे हस्बैंड को लेट जाना हुआ तब तो फिर मैं लेट ही उठती हूँ लेकिन अगर जल्दी जाना होता है तो मैं उठ जाती हूँ तो छः बजे मैं उठ के आ गई थी सब्ज़ी वगैरह की तैयारी में रात को ही करके सोती हूँ बस सुबह थोड़े से पराठे या रोटी और बाकी चीज़ें पैकिंग वैकिंग की होती है तो वही सब करती हूँ बाकी मुझे आज बनाना था सुबह नाश्ते के लिए तो मैंने आज पोहे बनाए थे तो पोहा देख रह सकते हैं कि पीछे रखा हुआ है तो जो एक होता है ब्रेकफास्ट का और एक होता है लंच का तो लंच सिर्फ हस्बैंड को देने के लिए बनाती हूँ और बाकी हम लोग नाश्ता बना लेते हैं और उसके बाद फिर मैं बाद में जो प्रॉपर खाना होता है वो बनाती हूँ उसके बाद किचन से सामान उठाना फ्रिज के अंदर रखना या फ्रिज से निकाल के जो बाहर कोई ठंडी चीज़ है तो उसको बाहर रखना क्योंकि क्या क्या होता है ना कि अगर आप एकदम से ठंडी चीज़ को गर्म करते हैं ना तो वो भी थोड़ा ठीक नहीं होता है तो पहले ही आप निकाल के रख लें आटा वाटा अगर होता है तो और मैं यहाँ पर भूल गई हूँ कि मैं लेने क्या आई थी तो मैं थोड़ी देर खड़ी होकर सोचने लगी फिर मुझे याद आया कि दही लेने आई हूँ आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या मेरे साथ तो ये बराबर होता है मैं फ्रिज के पास जाती हूँ और भूल जाती हूँ कि मुझे लेना क्या है और कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे फ्रिज में जो रखना होता है ना मैं अपने रूपये रूम में लेके चली जाती हूँ मतलब जो मेरा बेडरूम है उसमें लेके चली जाती हूँ तो बड़ा फनी सा इंसिडेंट होता है कई बार और यहाँ पर हस्बैंड के लिए लंच पैक कर रही हूँ तो दही भी मतलब वो ले जाते हैं तो मैंने दही भी पैक कर दिया और बाकी जो सुबह का ब्रेकफास्ट लंच सब ले जाते हैं वो तो ये सारी चीज़ें मैंने पैक कर दी अब रख के और फिर मैं थोड़ा सा अब बाहर देखूँगी कि बाहर कैसा मौसम है वैसे इस टाइम पर मतलब मुझे ज़्यादा जैसे अब हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है ना तो ए, एक तो डॉक्टर ने भी मुझे थोड़ा सा मना किया है कि ठंड में थोड़ा आप कम ही निकले मतलब एकदम जो सुबह वाली जो ठंड होती है ना तो अभी परसों तरसों की बात है मैं बाहर शाम को गई रात को टहलने गई तो एकदम से मुझे ठंड लग गई और ऐसा लगा कि जैसे ए, मतलब आप लोग ध्यान देना मतलब एकदम से लगा जैसे कहीं मसल खिंच गया उस टाइप से तो फिर उसकी वजह से भी दो दिन मैं ऐसे ही मतलब लेटी ही रही फिर आज जाके ठीक हुई हूँ और जो क्लीनिंग का काम था ना तो मैंने आज डाइनिंग टेबल पे रनर वग़ैरह जो बिछाया था दिवाली पे उसको हटा के और टेबल को क्लीन करना था क्योंकि ये ना काफ़ी दिन हो गए थे मैंने शायद दिवाली से पहले ही बिछाया था और बीच में मैं वीडियो भी नहीं बनाई और साथ में मेरी हालत भी नहीं ऐसी थी कि मैं कुछ भी मतलब कोई भी वीडियो बनाऊं या कुछ भी चेंज करूं घर का जो नॉर्मल काम होता है वो भी तो बस खाना तो बनाना था तो इसलिए खाना तो मैं बनाती हूँ लेकिन बाकी चीज़ें डस्टिंग वस्टिंग का काम बिल्कुल ही बंद था तो अब मैंने देखा कई दिन हो गए तो डस्टिंग काफ़ी ज़रूरत हो गई थी थोड़ा बहुत तो चलो कर लेते हैं मेरी बेटी है हस्बैंड है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप नहीं उन लोगों से हो पाता तो फिर मुझे ही करना पड़ता है तो आज मैंने जो फेस्टिवल वाला जो रनर बिछाया था उसको मैंने हटा दिया और नॉर्मल जो ये चादर को मैं बिछाती हूँ डाइनिंग टेबल पे उसको बिछा दिया तो डाइनिंग टेबल पे चादर जो मैं बिछाती हूँ ना वो सिंगल बेड का चादर होता है और इसको इस सिंगल बेड के चादर को मैं डबल फोल्ड में आ, डाल करके फिर बिछाती हूँ क्योंकि मेरा जो टेबल है ना वो फ़ोर चेयर वाला है तो उस पर ज़्यादा पतला नहीं वो चलेगा मतलब ज़्यादा लंबा हो जाता है और दूसरा क्या है कि अगर आप डबल फोल्ड करके डालते हैं ना तो वो ना टिका रहता है लेकिन अगर आप सिंगल डालते हैं ना तो थोड़ा सा फिसलता है जैसे कि मेरा ग्लास का टेबल है तो बहुत ज़्यादा फिसलता है तो मैं तो डबल करके डालती हूँ वो थिकसा रहता है और काफ़ी दिनों तक फिर इस पर गंदगी भी भी नहीं होती बाकी तो जैसे हम मैट वगैरह का यूज़ करते ही हैं खाना खाने के लिए तो यहाँ पर एक ट्रे मुझे मिला है इस दिवाली पर तो मैं दिवाली से पहले ही मिल गया था तो मैंने इसको फटाफट यहाँ पर रख दिया था और यहाँ पर थोड़े बहुत जैसे काजू और अखरोट ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ बादाम ये तीन चार चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे रखती हूँ बाकी जैसे टॉफ़ी वगैरह होती है कोई आ गया गेस्ट आ गए या बच्चे आ गए तो मैं उनको पकड़ा देती हूँ और इसको ये जो टिशू होल्डर है ना इसको इसमें पता है कि मैं क्या रखती हूँ फ़ोन क्योंकि ना फ़ोन रखने के लिए सबसे सही रखता है बाकी इसमें टिशू होल्डर टिशू तो रख ही नहीं पाते क्योंकि एक तो ओपन रहता है ऊपर से वो सही से टिकता नहीं है तो मैं इसमें फ़ोन ही रख देती हूँ जिससे कि क्योंकि हमारा चार्जिंग पॉइंट यही डाइनिंग टेबल के पास ही है तो सही रहता है अपना उसमें रख के और लगा देते हैं यहाँ पर जो मैं थो, थोड़ा बहुत जैसे फ्लावर से डेकोरेट करती हूँ वो सारी चीज़ें रख दी और बाकी जो जितना भी कचरा था उस सब मैंने उठा लिया ये सारा कचरा काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था क्योंकि मैं घर का कोई भी काम नहीं कर रही थी एक ग्लास जार है तो उसके अंदर मैंने कैंडल रख दिया है जो कि कभी कभी जलाने के लिए काम आता है बड़ा वाला कैंडल अब छोटे वाले तो टी कैंडल तो अब काम आएंगे नहीं तो बस यही वाले कैंडल अब जलाते हैं कभी कभार जलाना हो तो और उसके बाद जो यहाँ पे मैट था वो मैंने फिर से बिछा दिया क्योंकि ये मैट मुझे बहुत पसंद आया और इसमें क्या है ना कि इसको बिछाते हैं ना तो एक बड़ा स्टडी सा लुका जाता है मतलब एकदम स्थिर सा हो जाता है ये और कुछ भी खिसकता नहीं है तो मुझे बहुत पसंद आया बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से उठा ली कुछ फ्रूट्स कटे हुए थे ये सारी चीज़ें मतलब जो भी रहता है ना डाइनिंग टेबल पे तो फैला फैला सा रहता है तो मैंने कहा आज मैं सबको सही करती हूँ और उसके बाद टेबल को सही करने के बाद फिर मुझे कुछ और भी आज काम करने हैं डीप क्लीनिंग करनी है किचन की और भी बहुत सारी और फ्रूट्स को मैं ढक देती हूँ मेरे पास ऐसा खुला बास्केट है तो जिससे क्या होता है ना कि छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं ना वो नहीं आते और देखिए सुबह थोड़ी थोड़ी सी हुई है तो मैंने पिछले हफ्ते पुदीना के पत्ते तोड़ के लाई थी जैसे कि आप लोग को ए, एक एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि मेरे गमले में बहुत सारे पुदीना हुए थे और उनको ला के मैंने ऐसी हवा में कपड़े के ऊपर रख दिया था तो ये अपना बिल्कुल ही सूख गया है देखी ऐसे तो करते हैं ना तो ये आवाज आती है तो बिल्कुल सूख गए हैं और खुशबू ना बिल्कुल पुदीना वाली है तो अब मैं इसे क्या करूंगी ना थोड़ा सा क्रस करके ऐसे तोड़ के मतलब हाथों से मसल के और फिर मैं किसी डब्बे में रख लूंगी फिर जैसे रायता वायता में ना काम आ जाते हैं तो अगर ज़्यादा पुदीना के पत्ते हो गए हैं तो आप ये वाला टिप्स अपना सकते हैं जैसे कि इसको आप एकदम मसल दीजिए या पुदीना ज़्यादा खरीद के ले आए और लग रहा है कि क्या करूँ इसका तो एक तो वो है कि जैसे पीस के फ्रीजर में आप जमा कर दें और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं चटनी वगैरह में या फिर ऐसे सूखे पत्ते को भी मसल के रख लें और फिर ये भी बहुत काम आता है ये तो बल्कि साल भर आपका टिक भी जाता है तो मैं इसको अब एक छोटी सी सीसी ढूंढती हूँ उसमें रखूंगी तो ये ना बड़ा ही काम का है तो ऐसा हुआ कि बीच में मैं वीडियो बना नहीं रही थी तो ये मैंने जो रखा ना ही, तो रखा ही रह गया लेकिन अभी तक इसमें खुशबू है तो इसका मतलब ये काफ़ी काम करेगा और आज मैंने थोड़ी सी किचन की ना डीप क्लीनिंग करी थी तो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर हो गया तो इन सबको ठीक कर लिया और अब मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा खाना बनाने के लिए और वो भी अपनी फेवरेट तो इसको कहते हैं बथुआ का साग और आलू का चोखा साथ में चावल तो चलिए बनाते हैं और वीडियो अच्छी लगी कहीं पे भी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा चैनल पे नए आए ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो क्या हो रहा है ना कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी अभी मुझे दिक्कत हो रही है कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो मैं नहीं बना पा रही हूँ धीरे धीरे करके आप लोगों के पास टिप्स वगैरह की वीडियो लाती रहूंगी मेरे पास बहुत सारे टिप्स के आइडियाज़ हैं लेकिन नहीं डाल पा रही हूँ और सूट भी नहीं कर पा रही हूँ धीरे धीरे सूट करूंगी क्योंकि कुछ काम ऐसे हुए ना कि पेंडिंग में पड़ गए अब जैसे कि दिवाली की चीजें जो थी मैंने एक दिन उठाई लेकिन उसको रखा नहीं तो वो भी मुझे रखना है तो काफी सारे काम है जो कि मैं कर नहीं पाई हूं तो धीरे धीरे कर रही हूँ और घर में क्या हो रहा है ना कि मतलब मैं ही हूं जो घर का काम संभालती हूँ तो इसलिए मुझे ही करना पड़ता है तो आज तो मैंने कपड़े वगैरह ठीक किए बल्कि कल से ही कपड़े ठीक कर रही हूँ बेटी भी हेल्प करती है तो बेटी ने क्या किया कि निकाल दिया दीवान से कवर्ड से निकाल दिया और उसने बस जहाँ तहाँ रख दिया था तो मैंने सबको ठीक कर लिया और उसका मतलब बेटी का अपना बस उधर रख भी रखा हुआ है क्योंकि कुछ कपड़े अभी धुल के आने हैं तो सारा एक साथ रख के फिर ये जो गर्मी के कपड़े हैं ना वो दीवान में चला जाएगा और जो ठंड के कपड़े हैं वो मैंने निकाल दिए हैं सब की अलमारी में सेट भी हो गया तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी बस काम कर रही थी धीरे धीरे करके तो चलिए इस बार आप लोग मेरा ये वाला वीडियो मिस करेंगे जो गर्मियों के कपड़े रखने और निकालने का क्योंकि काफी फैला हुआ था और पिछले साल जो मैंने वो जो वैक्यूम का जो पाइप पंप होता है ना वो पता नहीं कहाँ रख दिया दो पंप थे तो मिल नहीं रहा है तो मैंने सोचा गर्मी के भी कपड़ों को वैक्यूम करके और रख दूंगी अंदर तो अब मुझे अपना जो वैक्यूम क्लीनर है ना उससे मुझे करना पड़ेगा तो बाद में देखेंगे क्योंकि अभी सबका कपड़ा सेट नहीं हुआ है सबके कपड़े एक साथ धुल के प्रेस हो के आ जाए फिर रखेंगे तो चलिए अभी तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ और ये पुदीना को मैं क्रश करके एक डब्बे में रखूंगी और इसी के साथ चलिए वीडियो पूरा देखते हैं पूरा वॉच कीजिएगा अच्छा लगेगा आपको मेरी वीडियो और अब थोड़ी थोड़ी ठंड आ गई है तो कपड़े थोड़े से <laughs> सही सही निकल रहे हैं स्वेटर तो निकल चुके हैं शाम को बहुत ठंड लगती है चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आपको वीडियो को दिखाते हैं तो अब मैंने ना वो पुदीना को जो मैंने बताया ना आपको कि मैं उसको थोड़ा सा ऐसे मसल के रख दूँगी तो उसको मैंने एक छोटी सी डब्बी में रख दी और एक में देखिए कसूरी में थी है और छोटी वाली में मैंने पुदीना रख लिया तो जब भी रायता वायता बनाना होगा तो उसमें डाल के उसका स्वाद का मजा ले सकते हैं और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ लेकिन उससे पहले मैं ठीक करूँगी अपने टेबल को क्योंकि मैंने क्लीनिंग तो कर ली थी उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई लेकिन ये जो मैंने एक अलग से रैक लगाई है ना तो इसको मैं थोड़ा सही कर लूँ क्योंकि इसके ऊपर कुछ सामान है जो कि अभी मेरा फैला हुआ है जो हमारा किचन का जो बोर्ड है ना उस पर तो चलिए उसको हटाते हैं और यहाँ पे रखते हैं तो ये जो कलछी वगैरह के लिए जो मैंने एक होल्डर लिया हुआ है देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है तो जब हम इसमें स्टील इस की कोई चीज़ें रखते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है तो इसके अंदर ना क्या करें कि कोई भी पुराना कपड़ा मोड़ के रख दें या कोई टिशू पेपर हो तो वो आप रख सकते हैं किचन टिशू पेपर जो होते हैं वो रख सकते हैं या फिर आप कोई भी पुराना कपड़ा काट के उसके अंदर रख देंगे ना तो उसे क्या होगा कि जो कलछी चम्मच ऐसे होते हैं ना जो आवाज़ करते रहते हैं वो आवाज़ नहीं करेगी तो ये आप लोगों के लिए टिप्स है मैं तो वैसे ज़्यादातर टिप्स की ही वीडियो बनाती हूँ और कभी कभार ब्लॉगिंग भी करती हूँ तो आप लोग ब्लॉग के साथ साथ टिप्स को भी इंजॉय कीजिए पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं मैं बताती ही रहूँगी और मैं ये साग दिखा रही हूँ ये मैंने खुद से लगाया है और ये इतना अच्छा ग्रो कर गया कि मैं क्या बताऊँ मैं बाहर से आपको थोड़ा सा आ, मतलब पहले क्लोजअप दिखा दिया और अब देखिए दूर से देखिए तो ये थोड़ा अंदर था तो इसलिए मैं पास में नहीं दिखा पाई और आज मैं बनाने जा रही हूँ अपनी फेवरेट बथुए का साग आलू का चोखा और चावल तो इसको बनाने के लिए मैंने बथुआ साग लिया है आधा किलो इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है और बथुआ साग आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ और इसके अंदर तीन चार बैंगन काट के डाल दिए और बैंगन काट के डालने से ना क्या होता है कि गाढ़ा बहुत बन जाता है और पहले जो मेरी दादी वगैरह बनाती थी ना तो वो क्या करती थी बथुए साग को पाल के और उसमें ना चावल का मार डालती थी लेकिन अब वो मार तो मैं डालती नहीं लेकिन मैं कुकर में ही बनाती हूँ इस तरीके से तो ऐसे ही बैंगन डाल के बना लेती हूँ मैंने इसके अंदर टमाटर भी डाल दिया खट्टे के लिए साथ में डाली दो हरी मिर्च नमक हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च डाल दी और आलू भी डाल दिया जितनी भी आलू की मुझे ज़रूरत थी क्योंकि ये साथ में ही सारी चीज़ें उबल जा एंगी ना तो फिर थोड़ा टाइम भी कम लगेगा और बहुत जल्दी बन जाता है और बथुए के साग के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं जरूर खाना चाहिए इस टाइम पे जो अगर कहते हैं कि कुपोषण वगैरह यदि किसी को हो तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि इससे काफ़ी मतलब हाई रिच आयरन का मतलब पूरा होता है इससे तो चलिए यहाँ पर आलू भी उबल गया और बाकी बथुए का साग भी गल चुका है टमाटर भी है इसमें टमाटर जरूर पड़ता है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ना अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं बाकी जो बथुआ साग बच गया ना आलू निकालने के बाद उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है तो ये देख सकते हैं ये मिक्सर है मेरे पास मतलब ये जो मलाई मिक्स करने वाला होता है ना उसी से मैं इसको मिक्स कर दी वैसे जो स्टील या लकड़ी का होता है ना मथनी उससे करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है पर मेरे पास वो है नहीं उसके बाद ये आलू देखिए तैयार है छिल के और अब तड़का लगाएंगे तड़का एक ही बार में दोनों ही काम करेंगे तो मैंने सरसों का तेल डाला खूब सारे लहसुन डाले और जीरे के बदले आजवाइन डाला तो मैं जो बनाती हूँ ना हमेशा अजवाइन डाल के ही बनाती हूँ और साथ में सूखी लाल मिर्च जरूर डलता है इसके अंदर तो ये सारी चीज़ें डाल के और दोनों ही चीज़ों में तड़का एक साथ लग जाता है मतलब साग में भी आप लगा सकते हैं और आलू का जो चोखा है ना उसमें भी लगा सकते हैं तो ये यह हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल खाना भी है एक तरह का बड़ा देसी सा है पर बड़ा टेस्टी होता है जो लोग अपने बचपन में ऐसी चीज़ें खाए होंगे उनको ज़रूर याद होगा और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं तो बनाती रहती हूँ और इसमें नमक डाल दिया बच्चों को आजकल इतना पसंद नहीं आता ये सब चीज़ लेकिन क्योंकि हम माए ही अपनी धरती से जुड़े होने का कोई भी चीज़ जो है सो आगे जनरेशन को देते हैं तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो अपने यहाँ का बनता है ना खास कर ट्रेडिशनल चीज़ें वो जरूर कभी कभार बनाइए जिससे कि बच्चों को भी पता चलेगा कि ये चीज़ें भी होती है पिज्ज़ा बर्गर तो सब खाते हैं लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है बहुत ही कम लोग खाते हैं तो बथुआ साग में आप ना दाल डाल के भी बना सकते हो तो देखिए इसमें तड़का लग गया अब ये दाल भी कितने अच्छा से बन गया है और बस इसके साथ आपको चावल बनाना है आप चाहे तो रोटी भी खा सकते हैं पर ये ज़्यादातर चावल के साथ ही अच्छी लगती है और यहाँ पर दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया हाँ एक बात है कि इसको अगर और गाढ़ा बनाना है ना तो चावल का माड़ जो होता है ना चावल का पानी जो बनने के बाद छनता है वो साफ़ निकाल लीजिए और उसको डाल देंगे ना तो बहुत इसमें गाढ़ा आ जाता है या फिर दाल डाल के भी कई लोग बनाते हैं मैं भी बनाती हूँ कई बार लेकिन आज मैंने सिर्फ बैंगन डाल के बनाया है तो कैसा लगा मेरा ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए चलते हैं आज जो मैंने सामान ठीक किया है ना वो हर कमरे में थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है तो आज मुझे सिलाई मशीन पे भी कुछ सिलना था तो मैंने सोचा आज इसको भी निकालती हूँ और थोड़ा क्लीन करती हूँ और जितना मतलब जैसे दिवाली पे मैंने सोचा था कुछ कर्टन वगैरह बनाने का वो कुछ भी नहीं हुआ सारा चीज़ पड़ा रह गया कहते हैं ना आदमी सोचता कुछ है होता कुछ है आप चाहे लाख चीज़ें सोच लें होता वही है जो कहते हैं ऊपर वालों ने आपके लिए सोचा होता है लेकिन हाँ मोटिवेट करके अपने आप को रखना चाहिए कई बार मन में आता है कि अब वीडियो नहीं बनाती हूँ क्योंकि व्यूज़ भी, भी मुझे कोई खास नहीं आता तो ऐसे में तो लोग मतलब मजाक ही बनती हूँ कि हाँ कि, मतलब ऐसे ही है कि चलो कैसे भी वीडियो बना रही है लेकिन हाँ मेरा मन लगता है खाली समय होता है तो मैं बना लेती हूँ और खाली समय नहीं होता है तो मैं बिल्कुल नहीं बनाती लेकिन जहाँ जब भी बोरियत लगती है तो मैं थोड़ा बहुत सूट कर लेती हूँ और वीडियो बना लेती हूँ शौक़ है पैसन है जो भी समझिए और जब पैसन कहते हैं तो लगता है ना कि फिर पैसन के नाम पे आपके पास क्या है तो मेरे पास पैसन के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हैं सिलाई कढ़ाई बुनाई ड्राॅइंग चाहे डी हो या कुछ भी हो सारी चीजें मुझे आती हैं और ये आना मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे बचपन से शौक़ है तो इसीलिए मुझे सारी चीज़ें आती है सारी चीज़ों को सही से रखना घर को सजाना घर को अच्छे से दिखाना मुझे बहुत ही पसंद है तो चलिए अब जो है ना पिछले वाला जो जो पॉलीथीन सब था वो निकल गया और गर्मी के कपड़े भी रख दिए हैं मैंने थोड़ा साइड करके रख दिया है ये सब दीवान के अंदर जाएगा हस्बैंड के कपड़े भी इधर रखे हुए हैं और आज मैं सिलाई करने वाली हूँ तो मैंने अपनी भी सिलाई मशीन की सफाई कर ली है और चलिए चलते हैं अब पॉलिथीन को एक जगह पे रखते हैं क्योंकि आजकल मैं भूलती बहुत ज़्यादा हूँ और मुझे आ, मैंने शुरू में ही बताया था कि इसका जो आ, पंपिंग मशीन था वो पता नहीं कहाँ चला गया और नहीं मिल रहा है तो अभी मैं पॉलीथीन संभाल के रखती हूँ नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें सर्दियों की चीज़ें मैंने रख ली है एक रूम है मेरा जिसमें मैं इस तरीके से सामान रखती हूँ तो यहाँ पर स्वेटर वग़ैरह भी मैंने निकाल लिया है तो चलिए इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करती हूँ अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग खुश रहें मस्त रहें मेरी वीडियोस को देखते रहें और बाय बाय आप लोगों ने सर्दी के कपड़े निकाले कि नहीं जरूर कमेंट कीजिएगा